तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही आकांक्षा दुबे का घर है। और ये जो हाला जो मतलब मीडिया में आ रहा है पवन सिंह ने कोई लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे कि इतना मदद किया उतना मदद किया, मतलब पवन भैया ने कोई भी पैसा से सहयोग नहीं, बस नशीली पदार्थों का यूज करती थी नहीं ऐसी कोई, वो प्रेग्नेंट थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं फिलहाल हूँ यूपी में बनारस के भदोही जिला का बरदहा गांव में और देख सकते हैं यही घर भैया आकांक्षा दुबे जी का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा आकांक्षा दुबे एक भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी खूबसूरत एक्ट्रेस थी, अब वो हम सब के बीच नहीं रहे, बट कोई बात नहीं, हम लोग उनके सपोर्ट में हैं सारे मीडिया वाले। और आज हम लोग पटना से लगभग 4 मीडिया वाले आए हैं और उनके घर दिखाएंगे, उनके फैमिली लोग से मिलेंगे और कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है, अपराधी पकड़ाया ना पकड़ाया, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे उनके घर के पास लगभग अभी एक गाड़ी फोर्स आई है, कोई ना कोई सेलिब्रिटी आने वाले हैं तो वो भी आप लोग के दिखाएंगे, कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। यही उनका घर है दोस्तों, देख सकते हैं, और एक गाड़ी फोर्स आई है और अगल बगल की दिखाने की कोशिश करूँ तो देख सकते हैं चारों तरफ खेत ही खेत है। और इधर कुछ मीडिया वाले भाई लोग हैं, सामने घर का इनका देख सकते हैं चारों पट्टी खेत पेड़ पौधे। और घर की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं घर ए रहा उनका। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही आकांक्षा दुबे का घर है और ए रहे उनके भाई जो बैठे हैं, और एक गाय वो सब उन्हीं का है और एक गाँव का कुछ नज़ारा है। और हर डे कोई ना कोई भैया यहाँ पर आते ही रहते हैं, देख सकते हैं मीडिया वाले गाँव वाले से बाइट ले रहे हैं। और उनके पिताजी ये हैं भाई, इन लोग एकदम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते, देख सकते हैं उनके पिताजी काम कर रहे हैं घर का, ये उनके भाई हैं और ये रहा उनका घर। नॉर्मल फैमिली से वो लोग बिलोंग करते थे भाई। और ये देख सकते हैं उनके घर में गाय हुए है, ये उनके भाई हैं। आप उनके छोटे भाई हैं, आपके आप लोग कितने भाई हैं? दो भाई एक बहन। तो आप लोग देख सकते हैं उनके पिताजी गाय को सानी वगैरह दे रहे हैं भाई। इनके घर में पैसा कोई स्रोत ही नहीं भाई, वही कमाते थे तो घर परिवार चलता था। और अब इन लोग का कोई बिजनेस भी नहीं है इन लोग का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इनके घर के सुरक्षा के लिए, ताकि कोई कुछ इनको दबाव न डाले, उनके लिए 24 घंटा इनके घर के पास पुलिस प्रशासन रहती है। और कल यहाँ पे अरविंद केला कल्लू जी आए थे, खेसारी जी की टीम आया था, और दो दिन पहले आए थे भैया पवन सिंह भी आए थे दो दिन पहले। देखते हैं प्रशासन भैया दिन भर इनके घर पे ही रहते हैं और अभी कहीं पे जा रहे हैं, शायद अपने थाना पे जा रहे होंगे। और ये रहे उनके घर वाले लोग, उनके भाई है ये तो आकांक्षा जी के। 10 लाख आज तो मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ अलग दिखा सकूँ, कुछ सच दिखा सकूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत चीजें डाल रहे हैं, मैं आज पहली बार यहाँ हाँ। ये जो हाला जो मतलब मीडिया में आ रहा है पवन सिंह ने किसी ने कोई विश्वास साथ दिलाया, पवन सिंह तो आए थे यहाँ आए थे, क्या बात थी? पवन सिंह जी आए थे, कहा कि आप मेरी माँ है आकांक्षा जी ने, मैं आपका बेटा बन के आया हूँ, जो भी होगा मैं आपके तरफ से आपके साथ खड़ा रहूंगा। और अभी नहीं, उन्होंने बोला ये हाँ, और भैया ने बोला ये बात, अभी नहीं अंत तक मैं खड़ा, जो भी दोषी है वो सजा पाएगा। धन राशि से एक भी राशि एक भी कोई ये सच्चाई है। तो जितना लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे कि इतना मदद किया उतना मदद किया, मतलब पवन भैया ने कोई भी पैसा से सहयोग नहीं, बस भाई आए थे, अक्षरा सिंह जी आई थी, भास्कर आई थी, कोई किसी ने कोई एक्टर भोजपुरी की उन्होंने पैसे से सहयोग, बस सांत्वना दिया कि मैं आपके सांत्वना दिया कि मैं आपके साथ आज भी हूँ कल भी हूँ और अंत तक रहूंगा। योगी जी पे कितना भरोसा है? योगी जी पूरा विश्वास, पूरा विश्वास, पूरा पूरा विश्वास, वो दूध का दूध पानी का पानी, अपने प्रशासन में पूरा विश्वास। नहीं भैया ने अभी एक बात कहा कि जो चीजें हम लोगों से पूछ रहे हैं वो समर सिंह के घर क्यों नहीं जाके पूछे, उनके घर पे ताला बंद हो चुका है, किसी वहाँ पे लटका हुआ ताला मिल रहा है। और अगर अड़ोस पड़ोस से पूछ भी रहे हैं तो लोग बोल रहा है कि समर सिंह बच्चा है, ये है बच्चा है, वो बच्चा है, इसलिए बोला कि देखिए अभी फेक न्यूज जो वाले हैं उसे ये लोग जो भी हो सच्चाई सच्चाई आप लोग दिखाइए, जो भी आप बयान लेना चाहते हैं परिवार के लोग देंगे बिल्कुल, लेकिन सच्चाई लीजिए बिल्कुल, बातें कुछ हैं आप बढ़ा दे रहे हैं ये गलत। अच्छा आकांक्षा जी के माता श्री का क्या स्थिति है, अभी कैसी है, कहाँ पे है? क्योंकि पूछना तो जायज बनता नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है। अभी उनकी तबीयत बिल्कुल खराब चल रही है, बिल्कुल जो है पड़ी हुई है,
दवा वगैरह दिवाया गया है, अभी वो बिल्कुल मूड में बिल्कुल नहीं है, तबीयत उठी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनने में कुछ ही पाया जा रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया नहीं जा रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया क्या आया उसमें कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, हैंगिंग बताया, फांसी लगाया बताया जा रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है, हमें प्रशासन पूरा भरोसा है। अच्छा अच्छा, कुछ चीज़ें ये भी बारे में चाचा पूछना तो देखिए बनता नहीं, लेकिन मेरा फर्ज है पूछना, थोड़ा अगर बुरा लगे तो माफ करेगा चाचा, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि वो नशीली पदार्थों का यूज करती थी? नहीं, ऐसी कोई वो प्रेग्नेंट थी? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल जो कह रहा है जरा अपने अंदर झांक करके देखिए, क्योंकि आज तक एबीपी न्यूज वाले भी चला, नहीं नहीं गलत, बिल्कुल गलत है, जैसा वो कह रहा है प्रेग्नेंट है, कम से कम ऐसे जो लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है, अरे कम से कम शर्म तो करो, आपकी भी महान बेटी होगी, बिल्कुल तेरी बहन के साथ ऐसा हुआ तो क्या कर सकते हो? गलत है, सही बात है, ये गलत है भैया, ये गलत है, यहाँ तक कि नेशनल टीवी वाले भी ये न्यूज चला रहे हैं, होटल वालों ने भी ऐसा बोला कि जो है कि वो शराब पी के नशे में थी, सीसीटीवी फुटेज सामने है, आप लोग देखा है, मैंने उसको बनाया है, आप लोग भी देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में वो कहाँ ड्रिंक की है, थोड़ा भी लड़खड़ा रहा है, बिल्कुल लड़खड़ रहा है, बिल्कुल नहीं लड़खड़ रही है। अच्छा, आखिरी 17 मिनट वो लड़का कौन था होटल में, उसका पता चला भी, पकड़ाया भी है? लड़का दिलीप सिंह था ना, ए आकाश संदीप सिंह, संदीप संदीप सिंह, कहाँ का लड़का था, क्या मालूम नहीं, अभी ये सब तो नहीं पता, लेकिन अभी प्रशासन अपना काम कर रही है, वो अभी कहाँ है लड़का, गिरफ्त में ही है कि छूट गया? ये तो नहीं, छूट गया है, अभी उससे जो है कि पुलिस फिर भी उसको कांटेक्ट में अपने रखी है, संपर्क में अपने रखी है, उसके द्वारा पूर्ण रूप से जो है एविडेंस नहीं प्राप्त हो पा रही है पुलिस को, पुलिस जुटी है अपने कार्य। अच्छा, मुंबई से जो लड़की आई थी मिला था, जब वो उन्होंने माताश्री का फोन छीन के रख लिया, भाई का फोन छीन के रख लिया, तो बाकी सारे फैमिली मेंबर्स कहाँ थे, क्यों आए? सब मुंबई थे, सब मुंबई था। वो लड़की को उस लड़की को हक किसने दिया कि मतलब चाची का मोबाइल छीन के रख लिया किसी से? ये समर सिंह से मिली हुई थी जी, और आती है और बोलती है मेरा काम हो गया, ऐसा बोली बोली है। तो उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ? हम लोगों ने जो है कमिश्नर साहब के पास उनकी भी शिकायत दर्ज करा दी है, और उनकी गिरफ्तारी का कुछ आ रहा है कि नहीं सामने, की जल्दी रिमांड पे लिया? यशो सारनाथ ने बोला है कि मैं उनकी गिरफ्तारी के लिए बेदबी दे रहा हूँ, उनको भी मैं उनके खिलाफ भी मैं एक अफजाला एक उनके खिलाफ मैं NCR दर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि फैमिली वालों की तरफ से आ रहा था कि आकांक्षा को बहुत दिनों पहले से धमकियां मिल रही थी कि तुमको मार देंगे, लटका देंगे, तो लोग ये कह रहा है कि जब धमकी आ रही थी तब किसी ने कंप्लेन की नहीं किया, जब घटना घट गया तो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, इस बात पे कैसे जवाब दीजिए? इसलिए उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। हाँ देखिए, वो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, मैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ और NCR अगर दर्ज कराऊंगी या कंप्लेन डालूंगी, बिल्कुल मेरे भी तो खराब होगी, उसका भी अगला का भी करियर खराब होगा, आगे का तो पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, उसको हमेशा उस फिल्म में रहना था, फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना था, तो कल को अगर किसी के ऊपर आरोप लगाती तो जाहिर सी बात है उससे तो उसका दुश्मनी हो जाता, सही बात, फिर उसको हमेशा उसमें स्थिर बना के रखना था अपना लेवल जो होगा, वो चाहती थी कि मैं इन सब लफड़ों से बचना चाहती थी। अच्छा, तो अभी हम आकांक्षा दुबे जी के घर से आ चुके हैं परसीपुर बाजार, एक यहाँ पे रेलवे स्टेशन है और एयर आर ट्रेन, अभी हम लोग जा रहे हैं बनारस। चलिए भाई, ये तो कुछ हटके ही ट्रेन है। तो दोस्तों, हम लोग को सीट मिल चुका है, चारों भाई लोग बैठ चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं भैया बनारस, है ना, वहाँ खाएंगे पिएंगे रात गुजारेंगे और लगभग 2 दिन बनारस में रहेंगे, अगर कोई बनारस से होगा तो कमेंट करिएगा, मिलेंगे आप लोग से, तब तक के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।